नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आज मैं आपको एक गरीब माँ बाप की कहानी सुनाने जा रही हूं जो आपको रुला देंगी। आशा करती हूं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। एक छोटे से गांव में एक गरीब इंसान अपने परिवार के साथ रहता था जिसका नाम मोहन था। उसका एक लड़का था जिसका नाम विनोद था। वह बहुत ही जिद्दी था। एक दिन विनोद ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे एक नया मोबाइल चाहिए। पिता ने कहा, बेटा अभी कुछ वक्त रुक जा, फिर तुझे एक नया मोबाइल दिला दूंगा। विनोद ने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी भी पैसे नहीं होते हैं। मेरे सब दोस्त अच्छे से रहते हैं, उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, केवल मेरे पास ही हर चीज की कमी होती है। उसने बहुत ही गुस्से में और बदतमीजी से अपने पिता से बोला कि बच्चे पैदा करना बेहद आसान है लेकिन उन्हें पालना बेहद मुश्किल। जब आप मेरी जरूरत पूरी कर ही नहीं सकते थे तो आपने मुझे पैदा ही क्यों किया। विनोद की ये बातें सुनकर उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। फिर विनोद ने गुस्से में कहा, तो क्या मतलब इस घर में रुकने का, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। पिता ने बोला, बेटा रुक जा, मेरी बात तो सुन, हम तुझे मोबाइल दिला देंगे। माता और पिता दोनों विनोद को रोकने और समझाने की काफी कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका। गुस्से में उसने बैग पैक किया और घर से निकल पड़ा। लेकिन घर से निकलते वक्त विनोद ने अपने पिता की डायरी अपने बैग में डाल ली थी। उसके पिता की आदत थी कि वह हमेशा डायरी लिखा करते थे और उनकी डायरी को छूने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। विनोद घर से काफी दूर आ गया था और बहुत ज्यादा थक भी गया था, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और विनोद ने अपने पिता की उस डायरी को देखा तो उसने सोचा, आखिर मिल ही गया खजाना, आज पता चल जाएगा कि मेरे पिताजी ने कहां कहां दौलत छुपा रखी है और उन्हें किन किन लोगों से पैसे लेने हैं और सारा का सारा लेखा जोखा आज मुझे मिल जाएगा। विनोद को लगा कि इस डायरी में पिताजी की सारी लेन देन का हिसाब होगा। जैसे ही विनोद ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। डायरी की शुरुआती पन्नों में उसके पिताजी ने विनोद को जो बाइक दिलाई थी उसका हिसाब लिखा था, जिसकी ईएमआई पिताजी अभी तक चुका रहे थे। दूसरे पन्नों में उसके कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था कि इन लोगों को इतने पैसे वापस देने हैं। और सबसे आखिरी पन्ने में लिखा था कि बेटे को अब मोबाइल दिलाना है, उसके लिए मुझे कौन कौन उधार दे सकता है, उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे। विनोद ने जैसे ही सब पढ़ा वो पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ता भागता घर आ गया। जैसे ही उसने घर आकर देखा तो उसके माता पिता एक कोने में बैठ कर रो रहे थे। विनोद अपने माता पिता के पैरों में गिर कर रोने लगा कि पिताजी मुझे माफ कर दो। पिता ने कहा, बेटा तू मत रो, तुझे मोबाइल मिल जाएगा। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल चुका है आप उस डायरी में हम लोगों से क्या छुपाते थे। मैं अब आपको कोई काम नहीं करने दूंगा, मैं मेहनत करके सब कुछ ठीक करूंगा। ये सुनकर विनोद के पिताजी विनोद को गले से लगा लिए। विनोद को अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा हो रहा था लेकिन अब वो एक अच्छा लड़का बन चुका था, इसलिए इसने मेहनत करके मन लगाकर पढ़ाई की और वह एक आईएएस ऑफिसर बन गया। धीरे धीरे उसने अपने पिता के सारे कर्ज चुका दिए। अब विनोद अपने माँ बाप के साथ ही रहता था और उनका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखता था। विनोद और उसके माँ बाप बहुत खुश रहने लगे। दोस्तों, जब आप जन्म लेते हैं तभी से माँ बाप की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। माँ बाप आपकी पालन पोषण से लेकर आपकी पढ़ाई, आपकी जरूरत की हर चीज़ों को कैसे पूरा करना है ये सब तभी से सोचने लगते हैं जब से आप जन्म लेते हैं। माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि माँ बाप उनके लिए कुछ किया ही नहीं है। माँ बाप वह कभी आपको अपनी समस्या नहीं बताते हैं, भले ही वह कितनी ही बड़ी समस्या से क्यों ना गुजर रहे हों। रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते होंगे तो भी वह सह लेते होंगे। लोग इतने भी ताने मारते होंगे
तो भी वह सह लेते होंगे, लेकिन आपसे अपनी समस्या कभी शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि वो आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहते हैं। अब आपका फर्ज बनता है कि अपने माँ बाप को अच्छी तरह रखना और उन्हें सुख देना, ताकि वो कभी अपने जीवन का बचा हुआ समय सुख में गुजार सके। यदि आप अभी भी नींद में सोए हैं तो आप जाग जाइए और अपने शौक पूरे करने पर नहीं अपना करियर बनाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप के रहते हुए कुछ नहीं कर पाए तो बाद में आप सोने का महल भी बना लेंगे तो उसमें आपको नींद नहीं आएगी। इसलिए आप अपने जीवन में कुछ भी कीजिए ताकि आपके वजह से आपके माँ बाप के आंखों में आंसू कभी ना आए। आप इतना सफल हो जाइए ताकि आपके माता पिता को उम्र होने के बाद भी काम ना करना पड़े, वो अपने बाकी का समय या बुढ़ापे के समय वो खुशी से रह सके। क्योंकि एक बात आप हमेशा याद रखना, माँ बाप को रुलाकर आज तक कोई खुश नहीं रह पाया है और ये 100% सत्य है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि कभी भी अपने माँ बाप को दुखी मत कीजिएगा और ना ही कोई ऐसी चीज की जीत कीजिएगा जो आपके माँ बाप पूरा ना कर सके। दोस्तों, विनोद की एक कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर जरूर करें। और इसी तरीके की अच्छी अच्छी कहानी की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।